उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया जनपद में निर्माणाधीन महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान ANTA रूम, हिस्टोलॉजी लैब, ट्यूटर कक्ष, बायोकेमिस्ट्री लैब, लेक्चरर रूम सहित कई अन्य जगहों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कार्यों पर संतोष जताते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर सहित अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति शीघ्रता से सुनिश्चित कर लेने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया और कहा कि इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इन सब के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के सहयोग से और अपने संसाधनों से लगभग 32 मेडिकल कॉलेज 16 से लेकर के 2021 के बीच में। देवरिया सलीमपुर से KKD News संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां फौजियों के लिए आए दिन एक बड़ा बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि देश में अगर फौजी भाई हैं तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। वहीं फतेहपुर में एक रिटायर्ड फौजी के साथ टोल प्लाजा के दबंग कर्मचारी मारपीट पर उतारू हो गए। रिटायर्ड फौजी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने टोल प्लाजा पर बस इतना कहा था कि लोकल की गाड़ियों से भी आप लोग टोल वसूल करने से बाज नहीं आते। बस फिर क्या था, टोल नाके के दबंग कर्मचारी उनके साथ मारपीट पर अमादा हो गए, जिसके बाद किसान यूनियन के किसानों ने रिटायर्ड फौजी के साथ देते हुए टोल प्लाजा के कर्मचारी के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। मैं आपका भैया, मेरा आशीष सिंह और चंदन सिंह नाम है जी। आपका गांव सुल्तानपुर है। आप थाने किस लिए आए थे? थाने हम इसलिए आए थे कि हमें तहरीर देनी थी टोल प्लाजा में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की वजह से। क्या हुआ था भैया? हम लोग फतेहपुर से आ रहे थे, राधे अपनी वाइफ को बच्चे को दिखा के आया था कानपुर से, मैं उसको लेके आ रहा था। आने के बाद टोल में मैंने बताया कि भैया लोकल ही गाड़ी है, बोला टोल लगेगा। मेरे को ठीक है भैया ले लो, मैं अपना कार्ड भी दिखाया था, मैं आर्मी हूँ, कार्ड भी दिखाया। उसके बाद भी बोले 50 नहीं तो 25 तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं नीचे उतरा, मेरे को यार हमेशा ऐसे होता रहता है, आप अपने मैनेजर को बुला दीजिए। बस मैनेजर को जैसे बुलाने की बात कही, हाथ उन्होंने राधे को एक लठ मारा पैर पे, अभी स्वेलन भी है इसकी, मेडिकल भी करा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आए चौकी में, दिया तहरीर चौकी में, देने के बाद चौकी वाले रिसीविंग दिए नहीं, फिर हम ललौली थाने आए, ललौली में देना, ललौली में सब लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। गाँव है कानपुर टोल से मात्र 1 किलोमीटर। चंदन सिंह, राधे गुप्ता आया ये आ रहे थे, मात्र 1 किलोमीटर का मामला है, उसमें टोल के लिए रुकवाया गया। जब लोकल की गाड़ी है, बार बार छेड़ रहे हैं गाड़ी को, उसमें मना किया तो ताला वाला पकड़ लिया, लेडीज भी गाड़ी में बैठी थी, अभद्रता की है, तो इसमें कल टोल पे घेराव करूँगा। अच्छा, यानी आपका नाम, आप किस पद पे हैं? ब्लॉक अध्यक्ष बहुआ। तो आज पुनः देखने को मिला कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया है, सही कदम उठाया, इसलिए आज की ये सभा समाप्त कर दी जाती है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो मिल बैठ के बात करेंगे, जब बात नहीं बनेगी तो तंग आए जंग आए, हमको कौन सा वीजा पासपोर्ट बनवाना है भाई, हम फिर आ जाएंगे। लेकिन मैं माननीय SDM साहब का ध्यान इस ओर पुनः ले जाना चाहता हूँ कि जो बिजली की बहुआ की समस्या है वो बहुत जोरों पर है और उसमें किसान हमें बहुत परेशान कर रहा है, उनका पेट भरता है। लेकिन कोई डर रहा है तो आप बैठे हैं, साल पूर्वक बैठे हैं, इसलिए आप सभी पर हमेशा गर्व रहता है, कभी आप कानून अपने हाथ में नहीं लेते। कल की घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ना तो हमारे टोल वाले जो बंद हुए हैं उनको किसी फौजी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी, और न ही वो एक घटना घटित होने के बाद हमारे द्वारा भी उसके रिएक्शन में उससे बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, कभी कभी कहते हैं समय का दोष होता है, जो हुआ आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो गया, आपके साथ जो घटना घटित हुई आप जो तहरीर देंगे उस पर आपका भी मुकदमा पंजीकृत होगा।
समस्या क्योंकि आज के ही नहीं है, इसके पुनरावृत्ति न हो इसके लिए मंगलवार को 11 बजे आपके 4-5 प्रतिनिधि किसान यूनियन से हमारे भाई रहेंगे और आपकी टोल प्लाजा के मैनेजर साहब बाकी जो दूर टोल है जिले में, ताकि ये समस्या किसान हमारे हर गांव हर जगह है उनकी समस्याओं से भी रूबरू होने और उनका निदान के लिए मंगलवार को 11 बजे तहसील सभागार में हम लोग बैठेंगे। फतेहपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह की रिपोर्ट।